आखिर तालिबान पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सच में तालिबान सुधर गया है? क्या सच में अब तालिबान आतंकवाद के खिलाफ है? क्या सच में तालिबान अब दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारेगा? आखिर कैसे भरोसा करें इस तालिबान पर जिसकी नींव ही आतंकवाद से शुरू हुई, जिसकी काबुल शहर की सुरक्षा पाकिस्तान के आतंकी संगठन हक्कानी के हाथों में है, जो आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों के साथ बैठक करता है? आखिर कैसे भरोसा करें उस तालिबान पर जो आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है, जिसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है उसका अंदाजा तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन के बयान से लगाया जा सकता है, जो कश्मीर का राग अलापने लगे हैं। मुसलमान के तौर पर हमें भारत के कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, वे आपके यहाँ के कानून के हिसाब से समान हैं। भारतीय राजदूत ने भले ही तालिबान के साथ दोहा में बातचीत की हो, लेकिन ये बातचीत औपचारिक थी, जिसका न्योता खुद तालिबान ने दिया था। भारत सरकार ने साफ किया है कि वहाँ फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तालिबान से बातचीत करना जरूरी है, लेकिन आतंकवाद या भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कभी कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताता है, कभी भारत के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल ना करने का भरोसा देता है, तो कभी कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि तालिबान में आतंकी संगठनों की घुसपैठ। पाकिस्तान का हक्कानी ग्रुप हो या फिर जैश या फिर अलकायदा जैसे आतंकी संगठन, जिनके साथ हाथ मिलाकर तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने का रोड मैप तैयार कर रहा है। ये नहीं है कि हम तालिबान रिजीम को मान्यता दे रहे हैं। मान्यता देने के लिए मेरे विचार से भारत को अभी काफ़ी वेट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा तालिबान कैसे बिहेव कर रहा है, अलग अलग रंग बदल रहा है और अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहा है, और उनके एक्शन जो ग्राउंड पे चल रहे हैं वो भी इस चीज़ को जाहिर नहीं करते कि तालिबान कोई खास बदल गया है, वो 2001 वाला ही तालिबान नज़र आ रहा है। तो उस हालत में भारत को अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी मान्यता देने के लिए। जहां तक बातचीत का सवाल है, इवैक्यूएशन के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चारा है बिना बातचीत के। आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान को जन्नत समझ रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिश का नया अड्डा बनाने की तैयारी में हैं, जहां बार बार कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है। 31 अगस्त को अमेरिका के तालिबान छोड़ने के बाद अलकायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अमेरिका पर जीत की बधाई दी थी। अपने संदेश में अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया था। इस्लाम के दुश्मनों के हाथ से सोमालिया, यमन और कश्मीर को आजाद करने की शक्ति दें। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने भी अमेरिका के काबुल छोड़ने के बाद अपनी मैगजीन अल नूर में तालिबान को बधाई दी, जो बताता है तालिबान को लेकर आतंकी संगठन कितने सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कांधार में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कश्मीर को लेकर मदद मांगी गई। ये वही मसूद अजहर है जिसे मुल्ला बिरादर का करीबी माना जाता है। जब मसूद अजहर की रिहाई के लिए प्लेन हाईजेक किया गया तो उसे कांधार में रोका गया था, जहां तालिबान ने अजहर की रिहाई में बड़ी भूमिका अदा की थी। तालिबान अकेला तालिबान नहीं है, उसके अंदर LET भी लड़ रहा है, उसके अंदर JEM भी लड़ रहा है, उसके अंदर AQIS भी लड़ रहा है, उसके अंदर ISKP भी लड़ रहा है। ये भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर। उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि उन्हें गवर्न करना है, लेकिन इन सब ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये लोग तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे और इस इन्फ्लुएंस में इन्हें आना भी पड़ेगा, इनके लीडर्स को भी आना पड़ेगा। ये बात जब इन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि ये बायलेटरल इशू है, तब भी हमने इनके ऊपर विश्वास करना मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं था। अभी भी विश्वास करना तर्कसंगत नहीं है। हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी इस बात की कि हो सकता है कि जो टेररिस्ट वहाँ हैं उसमें से कुछ टेररिस्ट आए इस साइड और घुसने की कोशिश करें और वहाँ के हथियार वगैरह, जो मॉडर्न हथियार उन्हें मिले हैं, उनको लेके इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कश्मीर में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जहाँ सारे पाकिस्तानी आतंकी संगठन तालिबान के चारों ओर मंडरा रहे हैं। ISI पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन हिंदुस्तान की नजर हर हरकत पर है, पाकिस्तान की हर साजिश पर, अफगानिस्तान पर बदल रहे समीकरण पर, जिसे निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।